हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैं क्लास 11 का मैथ चैप्टर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ, लीनियर इन इक्वालिटीज, जिसमें एक्सरसाइज क्या है 6.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या करना है इसमें? सॉल्व 24x इज लेस देन, किसी साइन है ये सिंबल, लेस देन मीन्स जिधर ये जहां पर दोनों लाइन आकर के टच करती हैं ये इसे हम कहते हैं लेस देन, और इधर जिधर मुंह खुला होता है उसे हम कहते हैं ग्रेटर देन, यानी 100 ग्रेटर देन है और ये क्या लेस देन है। तो हमें इसको सॉल्व करके क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और कैसे? कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर, किस हमें किस कंडीशन में मालूम करना है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, नेचुरल नंबर जो कहा कितने से स्टार्ट होता है, वन से, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके होता है इनफाइनाइट तक। एंड सेकंड क्या? इंटीजर। तो चलो इंटीजर, इंटीजर क्या होता है उसको भी लिख लो। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं, जितना माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट प्लस के इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें पहले नेचुरल नंबर के लिए मालूम करना है, क्या करेंगे हम, 24x इज लेस देन 100। ठीक है, तो अब हम करेंगे, देख लो यहाँ पे इंटू में 24 है, तो हम क्या करेंगे कि x के चूंकि इंटू में है तो 24x को भी 24 से डिवाइड करेंगे एंड 100 को भी 24 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और x इज लेस देन, अब 100 को 24 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, या कैंसिल छोटा भी कर सकते हो, मगर अगर डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, या छोटा ही कर लो एक बार, किससे कैंसिल होगा ये 2 से, तो 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 50/12। अभी और हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इतना छोटा छोटा करो, चाहे एक ही बार में डिवाइड कर लो, एक ही बार में 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो एक ही बार में 4 से डिवाइड कर लो, कितना होगा 100/ में कितना था 24, तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 25/6। ठीक है, और 25 को 6 को डिवाइड करो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो, कितना आ जाएगा 6 3 जा, मैं करके दिखा देता हूं आप लोगों को, 6 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 1 बचेगा और 0.062 जा 12 ज्यादा हो जाएगा, देन 1 पे जाएगी बार, 12 6 1 जा 6 4 0 6 9 जा, कितना हो जाएगा 6 6 जा 36 6 6 जा 36, यानी ये हो जाएगा हमारा 4.16। तो जो x की वैल्यू है वो हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर, तो सॉल्यूशन ऑफ x क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ x इज, या ढेर सारे हैं सॉल्यूशन इसलिए हम इक्वल टू कर लेंगे सीधे, क्या मिलेगा ध्यान देना, कौन कौन से नंबर मिलेंगे, सोल्यूशन ऑफ एक्स नेचुरल नंबर है और 4.616 से लेस, तो 4 से छोटा कौन कौन सा संख्या है, तो एक्स से लेस क्या आएगा, 4 से लेस, तो 4 तो होगा नहीं, तो 4 से लेस क्या मिलेगा हमें, 1 2 3, क्या मिलेगा 1 2 3, ये हमारा सेट के रूप में हमारा आंसर जाएगा, क्या सेट के रूप में 1 2 3, इस तरीके से हम लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लेस देन है, केवल इक्वल टू रहता था 4 लिखते, राइट। अच्छा अब क्या है कि हमें इंटीजर्स के लिए लेना आएगा, तो एक्स इज एन इंटीजर, तो ये सारे सारे क्या है, इंटीजर्स में क्या आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या मिलेगा हमें, एक्स इज ये मिलेगा हमें, देखो 4 से लेस क्या मिलेगा 3 2 1 0, ये सारे नंबर्स मिलेंगे, तो ऐसे में क्या मिलेगा हमें, जैसे 3 2 1 0 -1 -2 डॉट डॉट पूरा कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो ऐसे में क्या है
कि हम इसका सोल्यूशन इतना बड़ा लिखेंगे नहीं, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, और तो या फिर हम ऐसे लिख देंगे, और इसको लिखेंगे हम किसमें, मिडिल ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो 3 और 3 से लेस, तो पूरा यहां दब जाएगा आंसर, माइनस करके डॉट डॉट करके माइनस इनफाइनाइट लिख देना, ठीक है। तो ये है हमारा x इज जब एन इंटीजर है, तो इंटीजर की कंडीशन में ये सारे नंबर हमारे क्या मिल जाएंगे, आंसर के रूप में हो जाएंगे, x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब है इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कैसे करेंगे बच्चों, क्या करना है, सॉल्व माइनस 12x इज ग्रेटर देन 30 व्हेन x इज नेचुरल नंबर एंड सेकंड है x इज एन इंटीजर है, ठीक है। तो हमने तो अभी बताया था कि नेचुरल नंबर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या करना है, माइनस 12x एंड ग्रेटर देन है कितना, 30, ठीक है। तो पहला काम क्या होता है, हमेशा हमें जो x है इसको प्लस के रूप में लाना, हमें इस रूप में लाना है, प्लस के रूप में। तो जो माइनस 12x है तो हम क्या कर लेंगे, प्लस 12x इस साइड भी कर लेंगे और 30 के साथ भी 12x कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कभी ऐसा गलती नहीं कर सकते कि माइनस 12 से डिवाइड करते हैं, नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, 12 से केवल डिवाइड कर सकते हैं, तो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम क्या कर लें, यदि कहीं पर माइनस का एक्स है पहले, तो उसको हमें एक्स को पॉजिटिव फॉर्म में लाना होता है, और करने का तरीका ये होता है कि दोनों तरफ सेम नंबर को हमें ऐड करना होता है, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे कितना मिल गया, 0 इज ग्रेटर देन 30 प्लस 12x, राइट। अब यहाँ पे प्लस 30 क्या है, दो एक्स प्लस पॉजिटिव हो गया, अब हमें 30 को हटाना है, तो 30 हटाने के लिए माइनस 30 करेंगे और इधर भी माइनस 30 करेंगे, ठीक है। तो माइनस 30 और यहाँ कितना बचा, 12x। अब हम कर लेंगे 12 से डिवाइड दोनों साइड, तो माइनस 30 अपॉन में 12 और यहाँ पे 12x अपॉन में 12, राइट। क्या हो जाएगा, अब 6 2 12, 6 5 30, यानी माइनस 5 अपॉन में 2 और इधर कितना बचेगा, x। अब क्या होगा, माइनस 2.5 और x। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, ध्यान से समझना कि x इज लेस देन, देखो कॉर्नर पॉइंट किधर है, x इज लेस देन माइनस 2.5, यानी हमें ये मिला कि x इज लेस देन माइनस 2.5। हम पूरे को उलट सकते हैं, तो x इज जब लेस देन माइनस 2.5 है, तो x की वैल्यू माइनस 2.5 से लेस है, तो माइनस 2.5 से लेस क्या मिलेगा, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, डॉट पूरा इनफाइनाइट तक मिल जाएगा। मगर क्या इसमें कोई नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो पहले का सोल्यूशन क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट का पूछ रहा ना, x इज नेचुरल नंबर, तो लिखेंगे व्हेन x इज नेचुरल नंबर, व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, नंबर देन देयर इज नो सोल्यूशन, देन देयर इज अ नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन यहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ लो, इसे माइनस 2.5 से लेस कौन सी संख्या, ये सारी होती है, ठीक है। तो सारे नेगेटिव आ रहे हैं, तो पॉजिटिव तो आ ही नहीं रहे, तो इंटीजर का हमें नेचुरल नंबर कहां से मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या आएगा, व्हेन एक्स इज एन इंटीजर, और यहाँ पे क्या आएगा, केवल लेस देन है, माइनस 2.5 से लेस, तो माइनस 2.5 से लेस क्या होगा, ये नहीं होगा, बाकी इसकी सारी संख्या यहां से हो जाएंगी, ठीक है। तो व्हेन क्या लिखेंगे, व्हेन एक्स इज क्या आएगा, इंटीजर, देन इट्स अ सोल्यूशन, देन इट्स अ सोल्यूशन लिख करके हम इसी को क्या कर लेते हैं, मिडिल ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से माइनस 2.5 से लेस हमें कौन कौन से इंटीजर मिल गए, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, ऐसे बढ़ते रहेंगे, लास्ट में क्या मिलेगा, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, नोट कर लो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, सॉल्व 5x-3 इज लेस देन 7 व्हेन x इज एन इंटीजर, और क्या सेकंड कंडीशन, इफ x इज अ रियल नंबर, ठीक है।
इंटीजर के लिए तो सेम रूल होगा, मगर रियल नंबर के लिए अलग हो जाएगा, तो मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले सॉल्व तो कर ले, 5x-3 इज लेस देन 7 है, क्या आ जाएगा यहाँ पर 5x। अच्छा 5 देखो x क्या पॉजिटिव है, तो हमें x को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे जो -3 है इसमें हम +3 कर लेंगे और इस साइड में हम +3 कर लेंगे, जो काम हम इस साइड करेंगे लेफ्ट साइड में वही काम हम राइट साइड में भी करेंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5x इज लेस देन 10। अब क्या करेंगे दोनों को 5 से हम डिवाइड कर लेंगे, अच्छा जो नंबर होगा x के साथ उसी से हम डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट से, तो यहाँ पे क्या हो गया x इज लेस देन 5 × 10, यानी x की वैल्यू क्या है 2 से लेस है, 2 से लेस है। तो जो इंटीजर मिलते हैं वो क्या मिलते हैं हमें, इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, सारे के सारे माइनस इनफाइनाइट भी होते हैं, और कौन से नंबर होते हैं बताओ, 0 के बाद 1, 2 डॉट इनफाइनाइट सारे नंबर होते हैं। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एक्स इज व्हेन व्हेन एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर देन इट्स सॉल्यूशन, देन इट्स सॉल्यूशन इज, मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे हम पूरा ये सारा लिख लेंगे, कहां से देखो 2 से लेस है, 2 के इक्वल नहीं है, तो 2 से लेस कहां से 1 से स्टार्ट होगा, कहां से 1 से, तो 1 के पहले क्या आएगा 0, 0 के पहले -1, -1 के पहले -2, ऐसे ही कहां हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक, क्या आएगा माइनस इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। मगर सेकंड कंडीशन में क्या आया कि रियल नंबर में क्या होता है, तो रियल नंबर किसे कहते हैं जिसमें अपॉन में ये तो सारे इंटीजर तो होंगे होंगे, ठीक है, साथ में हमें रियल नंबर भी, रियल नंबर में क्या होता है अपॉन में भी संख्या हो सकती है, क्या हो सकती है अपॉन में हो सकती है, और 2 / 5 भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी कई संख्या हो सकती है, 1 / 2 भी हो सकती है, सारे मतलब रियल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल और रेशनल सारे नंबर मिला करके क्या कहलाता है हमारा, रियल नंबर कहलाता है। तो ये हो गया रेशनल, और रूट वाली संख्याएं भी होती हैं, सारी संख्याएं होती हैं, तो हम कितनी संख्याएं लिख पाएंगे, कितनी संख्याएं लिख पाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में हम चूंकि सारे नंबर से नहीं लिख पाएंगे, तो उसके लिए हम फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा सेट्स में क्या कि ओपन क्लोज इंटरवल, तो ओपन क्लोज इंटरवल के अकॉर्डिंग हम क्लोज क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन ओपन इंटरवल, ठीक है, क्लोज क्लोज इंटरवल, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसका रियल नंबर्स का आंसर हम लिखते हैं, ठीक है। तो क्या है अब यहां पर देखो 2 से लेस है, तो 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो सोच लो कि ये सारे नंबर तो होंगे ही, लास्ट में क्या है मान लो 2 है, ठीक है, तो 2 से लेस है, तो 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो लिखेंगे पहले एक्स इज व्हेन When x is a real number, when x is a real number, then its solution, then its solution, क्या आ जाएगा solution, ध्यान देना इधर से आएगा open interval, क्यों, क्योंकि equal नहीं है, और यहाँ पे 2 आएगा, फिर कामा देंगे, और कहाँ तक जा रहा है माइनस इनफाइनाइट तक, कहाँ तक ये माइनस इनफाइनाइट तक, तो इस माइनस इनफाइनाइट हो चाहे प्लस इनफाइनाइट हो हमेशा ओपन इंटरवल में रखते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर हमें मिलेगा ही नहीं कभी, देन यहाँ पे ओपन इंटरवल में रहेगा कभी भी, चाहे पॉजिटिव का इनफाइनाइट हो चाहे नेगेटिव इनफाइनाइट हो, इस तरह से ये आंसर हो गया इसका, नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 4th में क्या करेंगे हम, सेम वही है 3rd की तरह है, क्योंकि उसमें भी इंटीजर के अकॉर्डिंग हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी थी और रियल नंबर के अकॉर्डिंग हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी थी, ठीक है। तो क्या करेंगे 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2 है, तो पहला काम हमारा क्या होता है कि जो प्लस 8 है उसको उस साइड भेजना है, तो -8 इस साइड कर लेंगे और इधर भी -8 हो जाएगा, अरे कैंसिल हो जाएगा, तो 3x इज ग्रेटर देन माइनस का 6 बच गया, ठीक है। तो अब दोनों साइड क्या कर लेंगे हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो क्या मिला हमारे x इज ग्रेटर देन -2, तो
तो सोचो माइनस टू से ग्रेटर, माइनस टू से ग्रेटर, माइनस टू माइनस वन क्या होगा, जीरो वन टू इनफाइनाइट तक। तो माइनस टू से ग्रेटर नंबर हमें इंटीजर के रूप में क्या मिलेगा, तो लिखेंगे कि व्हेन एक्स इज एन इंटीजर देन इट्स अ सॉल्यूशन, देन इट्स अ सॉल्यूशन इज क्या होगा, सोचो माइनस टू से क्या आएगा, ग्रेटर देन। तो माइनस टू से ग्रेटर यहां से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, ये सारी संख्याएं है। तो ये हो जाएगा हमारा सेट के रूप में माइनस वन जीरो वन टू डॉट डॉट इनफाइनाइट तक हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा किसके लिए, इंटीजर के लिए, क्या है इंटीजर। अच्छा अब है सेकेंड एक्स इज रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो जब एक्स रियल नंबर, तो रियल नंबर के लिए फिर वही प्रॉब्लम, क्या कि इसमें क्या होंगे, माइनस टू से तो ग्रेटर होगा, लेकिन देखो माइनस टू से ग्रेटर ये भी तो होगा ना, माइनस टू से ग्रेटर क्या होगा, माइनस वन होल वन अपॉन में टू, तो ये भी तो माइनस टू से ग्रेटर है, यानी रियल नंबर में क्या रेशनल इरेशनल सारे आ जाएंगे। तो रेशनल इरेशनल के कंडीशन में हमें कहां से लिखना है, माइनस टू से ग्रेटर लेना है। तो पॉजिटिव आ रहा तो हमें पहले ओपन इंटरवल में लिखेंगे, तो ये है एक्स इज व्हेन, क्या लिखेंगे हम, व्हेन एक्स इज एन इज ए रियल नंबर, इज ए रियल नंबर। तो जब रियल नंबर है देन इट्स सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देन इट्स सॉल्यूशन इज, ध्यान देना माइनस टू से क्या, माइनस टू इसमें इंक्लूड नहीं है, माइनस टू से प्लस है, तो माइनस टू लिखेंगे मगर ओपन इंटरवल में, ठीक है। अच्छा तो कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो कॉमा दे करके इनफाइनाइट ले, तो चूंकि इनफाइनाइट है इसलिए इसको भी हम ओपन इंटरवल में लिखेंगे, ठीक है। ये उसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। और अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए, और दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए जिससे कि वो भी इसका फायदा उठाएं।